हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास ऑफ क्लास 9th. टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 2nd, पोलोनोमियल. इंट्रोडक्शन ऑफ पोलोनोमियल. सबसे पहले हम पोलोनोमियल को रीड करने से पहले हमें टर्म को समझना पड़ेगा कि टर्म्स क्या होते हैं. अब ये क्या होता है, टर्म्स को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं. 2x, 2 मल्टीप्लाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई एक्स. अब 2, जो 2 इसमें क्या है, नंबर पार्ट, और x क्या है, वेरिएबल. अब 2 जो नंबर पार्ट है, अब इसमें क्या होता है, एनी डिजिट, ये नेचुरल नंबर आते हैं, इसमें 1 to 10 एनी कोई भी डिजिट आ सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है. और इसमें x वाली जो इसमें क्या होता है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, इसमें A to Z कोई भी अल्जेब्रिक वर्ड राइट कर सकते हैं, और ये क्या होता है, वेरिएबल. अब नेक्स्ट है, अब इसको आगे समझने के लिए हम एक पोलोनोमियल का एग्जांपल लेते हैं. पोलोनोमियल क्या होते हैं, इट इज़ ए चैन ऑफ टर्म्स, जो एक चैन होती है प्लस और माइनस के साइन से जुड़ी होती है. अब एग्जांपल लेते हैं, 2x² प्लस 3x माइनस 3. अब सबसे पहले, अब 2x², अब इस ये क्या है, फर्स्ट टर्म, अब ये क्या है, फर्स्ट टर्म, प्लस के बाद नेक्स्ट डिजिट अपनी है 3x, तो ये क्या है, सेकंड टर्म, माइनस 3, अब ये क्या है, थर्ड टर्म. अब इसमें 3 टर्म्स हैं. अब आप इसमें क्वेश्चन पूछोगे कि इसमें 3 है, जो अब इसके साथ कोई इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, वेरिएबल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन साथ में नहीं दिया गया, तो अपने क्या देखेंगे, इसको कैसे समझेंगे. अब 3 है, 3 मल्टीप्लाई एक्स, ऊपर इसकी पावर है 0. अब जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आती है, तो उसकी वैल्यू बन जाती है 1. तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 3, तो ये क्या हुआ, वेरिएबल. तो अपनी ये कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म. अब इन 3 टर्म को समझने के लिए हम इधर, अब आपको मैं बताती हूँ कि ये टर्म जो होती है, मोनोमियल कौन सी होती है, बाइनोमियल कौन सी होती है, ट्राइनोमियल कौन सी होती है, और पोलोनोमियल्स क्या होती है. सबसे पहले चलते हैं मोनोमियल. अब ये क्या होती है, मोनोमियल, इसका मीन्स होता है सिंगल डिजिट. अब इसमें क्या होती है, एक डिजिट, फर्स्ट टर्म, ओनली फर्स्ट, एक ही होती है. फिर होती है बाइनोमियल, इसमें क्या होती है, 2 टर्म्स होती हैं, 2x + 5. थर्ड आती है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म, 3x² माइनस 2x + 5. फोर्थ नंबर पे आती है पोलोनोमियल, पोलोनोमियल में क्या होता है, 3 से मोर, जितनी भी ज़्यादा डिजिट जितनी मर्जी राइट कर सकते हैं, वो किस में आएगी, पोलोनोमियल. अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, डिग्री. डिग्री का मीन्स होता है हाईएस्ट पावर ऑफ पोलोनोमियल. अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, 4x माइनस 3x² प्लस 5. अब आप इसमें आपको क्वेश्चन पुट करेंगे, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पोलोनोमियल, कि जो पोलोनोमियल है उसकी डिग्री क्या है. अब देखो, सबसे पहले 4x, अब जिसकी अपने को वैल्यू नहीं दे रखी, तो आपको पता ही है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 1, माइनस 3x², अब x की स्क्वेयर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री है 2, प्लस 5. अब मैंने इसमें आपको एग्जांपल पहले 3 मल्टीप्लाई एक्स 0 जो एग्जांपल पहले रीड करवाया था, सेम वही 5 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की 0 पावर होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 5. तो अपनी सबसे हाईएस्ट पावर, इसमें कोई डिग्री नहीं है और एक्स वाली में कोई डिग्री नहीं है, इसमें एक्स की पावर है 2, तो अपनी हाईएस्ट डिग्री क्या हुई पॉलिनोमियल की, 2. तो अपने राइट क्या करेंगे, आपसे पूछा जाए हाईएस्ट डिग्री क्या है पोलोनोमियल की, तो आप राइट करेंगे 2. अब इसको अपने प्रॉपर अरेंज कैसे करेंगे,
कैसे राइट करेंगे, अब ये राइट करने का सही तरीका नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे जो अपनी हाईएस्ट पावर होती है सबसे पहले उस डिजिट को राइट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी डिजिट क्या आएगी, माइनस 3x2। फिर नेक्स्ट डिजिट देखो, अब उससे सेकंड नंबर पे आगे छोटी डिजिट कौन सी है, इसके आगे प्लस का साइन है और जो शो नहीं होता, तो उसके बाद क्या राइट करेंगे, प्लस 4x। फिर नेक्स्ट क्या बचा अपने पास, प्लस 5। तो अपने क्या राइट करेंगे, प्लस 5। तो ये अपनों ने प्रॉपर वे में इसको अरेंज करके राइट किया। अब इसको आगे नेक्स्ट स्टेप अपना चलता है, अब डिग्री को कितने पार्ट इसके होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं डिग्री के, जिसमें 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया इसको डिग्री को। तो अपने इसको कैसे समझेंगे, अब इसको मैं आपको बताती हूँ, इसके 3 पार्ट होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ax + b, अब इसमें क्या है, सिंगल, जो एल्जेब्रिक है अपना वो क्या है इसमें, सिंगल। लीनियर में हमेशा क्या आती है, सिंगल डिजिट। अब क्वाड्रेटिक में आती है हमेशा डबल डिजिट, हमेशा डबल डिजिट, ax² + bx, हमेशा डबल डिजिट। अब क्यूबिक, क्यूबिक में क्या होती है, 3 डिजिट, ax³, bx² स्क्वेयर। अब हमेशा इसमें क्या होती है, 2 या 3, क्यूबिक में हमेशा ये आती है। अब आप, आज का ये टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल। सिर्फ हमने इसमें क्या, सिर्फ किसकी जानकारी मिली है हमें, पॉलीनोमियल के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेप इसका आएगा एक्सरसाइज का 2.1, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।